रामायण मूवी एक धार्मिक मूवी है, ये चीज तो आपको मालूम ही है, लेकिन यहाँ पर रामायण मूवी से जुड़े जो अपडेट्स है वो थोड़ा अलग जरूर है। रामायण मूवी एक अलग कहानी जरूर है हमारे सामने। देखो, हमारे सामने आदि पुरुष मूवी आई थी, जिसमें कि इसके डायरेक्टर्स एंड एक्ट्रेस मेकर्स ने हर एक के दिल में एक थॉट बैठा था, जहां पर वो लोग सोचे थे एक नए सिरे से रामायण मूवी को ऑडियंस के पास फेस करेंगे, तो शायद ऑडियंस जो है इसको ज्यादा एक्सटेबल करेंगे और ज्यादा से इसको सराहना करेंगे, यानी ज्यादा प्यार देते हुए नजर आएंगे। लेकिन हुआ उसके विपरीत, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपके आराध्य जो है, आपको जिसको सबसे प्रिय आपके भगवान है, उनके बारे में आपको थोड़ा गलत दिखाया जाए, फिर कुछ गलत किया जाए, आप चाहेंगे ऐसा? बिल्कुल नहीं चाहेंगे। ये चीज तो हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे आप। उसी चीज को देखते हुए यहाँ पर रामायण आदि पुरुष का बैकअप किया गया था, लेकिन यहाँ पर अभी आदि पुरुष के बैकअप से लिया जाए तो साइड्स में, यानी कि रामायण मूवी जो बन रही है उसके कंटिन्यूस चालू हो गई थी, तो उसके बाद इसको भी लेकर के कई सारे क्वेश्चन उठने लगे थे लोगों के, यानी कि रामायण मूवी अगर बेस्ट नहीं कर पाई तो क्या हुआ, यानी कि ये भी ऐसे क्वेश्चंस किए। तो हम उन लोगों को ये क्वेश्चन जरूर बता देना चाहूंगा कि आप इस चीज से निश्चित रह सकते हैं, क्योंकि रामायण मूवी में कोई भी ऐसे सीन्स नहीं क्रिएट की जाएगी जो किसी भी ऑडियंस का दिल दुखाते हुए नजर आए। क्योंकि रामायण मूवी में एक ओरिजिनल एक जो धारावाहिक आया था, उस धारावाहिक से जुड़ी हुई सीने हमारे सामने प्रोड्यूस की जाएंगी, यानी उसी से क्लिप से उठा करके हमारे सामने कुछ 4K में इसको स्ट्रीम किया जाएगा। मूवी का अमाउंट भी बड़ा है, सनी देओल बजरंगबली के रोल में, रॉकी स्टार रावण के रोल में, रणबीर कपूर है राम के रोल में, साई पल्लवी है सीता के रोल में, यानी मेन भूमिका के रोल में एक अच्छे कैरेक्टरों को भी चुना गया। और आपको ऐसा बिल्कुल सोचने की आवश्यकता नहीं है कि कुछ ऐसे सीनों को हमारे सामने रामायण मूवी के द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा।